नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप भी अपनी किस्मत यूट्यूब के द्वारा अपनी बनाना चाहते हैं या फिर आप अपनी विचार एक वीडियोस के द्वारा अपलोड कर सारी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और अपनी एक पहचान आप बनाना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो देखिए दोस्तों, उससे मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमानी पड़ती हैं। जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप आजमाओगे तो आपका जो वीडियोज है आप अपलोड करोगे तो वो फ्यू आवर्स के अंदर ही आपका वीडियोज आपका वायरल हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप अपने वीडियोज को वायरल करें, क्या तकनीक आप अपनी वीडियोस के अंदर चेंजेस करें और क्या चीजें आप गलत कर रहे हो उसको आप ना करें ताकि आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। यूट्यूब एक ऐसी, मान लीजिए, एक हमारा प्लेटफॉर्म बना है जिसके ऊपर हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके मन में एक बिल्कुल सवाल उठता होगा कि यूट्यूब के ऊपर हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, हम भी वीडियोस को एडिट करते हैं, हम भी उसके अंदर चेंजेस करते हैं, शूट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं, लेकिन हमारे पास व्यूज कम आते हैं और वही सेम चीज हमारे सामने जो भी अदर पर्सन है वो अपलोड करता है, उसके अपलोड करते ही उसके ऊपर व्यूज काफी मात्रा में आ जाते हैं और वही चीज हम सेम टू सेम अपलोड करते हैं, हमारे पास 10, 20, 50 या 100 या 200 व्यूज ही क्यों आते हैं? क्या हम गलती करते हैं और क्या उसके अंदर हमें चेंजेस करना चाहिए ताकि हमारे वीडियोस भी अपलोड करने के बाद में तुरंत ही हमारे वीडियोस के ऊपर भी व्यूज ज्यादा से ज्यादा है और हमारा वीडियोस भी खूब हमारा सजेस्टेड लिस्ट के अंदर शामिल हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि आप अपने वीडियोस के अंदर क्या चेंजेस करें ताकि आपका वीडियो भी जल्दी से जल्दी वायरल हो और आपके वीडियोस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज आपको देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं, चाहे वो टॉपिक टैक्स से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, या डांसिंग से संबंधित हो, या कुकिंग से संबंधित हो, या किसी प्रकार से आपसे सिलाई से संबंधित हो, जो भी टॉपिक आप यूज करते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube का एल्गोरिथम समझ गए तो ये देखिए, आपके प्रत्येक वीडियोस अपलोड करने के बाद में आपको एक काफी एक्स्ट्रा व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले YouTube का एल्गोरिथम के लिए मैं आपको बता दूं, YouTube खुद आपके वीडियोस को सजेस्टेड लिस्ट में डालता है, आपके वीडियोस को प्रमोट करता है। कैसे वो प्रमोट करता है, किस प्रकार से YouTube का एल्गोरिथम काम करता है, ये आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने वीडियोस अपलोड किया, आपको दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे बता रहा हूं, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने वीडियो शूट किया और आपको दुनिया के अंदर कोई भी नहीं जानता है। तो देखिए, दुनिया में जानने के लिए आपको अपने वीडियोस के अंदर कुछ ऐसा एक अलग ही हटकर कुछ शो करना होगा जिससे लोग आपकी वीडियोस की ओर अट्रैक्ट हो और आपके वीडियोस के ऊपर आकर आपके क्लिक वो करें। तो देखिए, सबसे मेन चीज जो अट्रैक्ट करने वाली होती है हमारे वीडियोस के अंदर, वो हमारे वीडियोस का होता है थंबनेल, यानी कि जो कवर फोटो हम बोलते हैं, यानी कि हमारे वीडियोस की जो कवर फोटो हमारी दिखाई देती है उसको बोला जाता है थंबनेल। उस थंबनेल को आप इतना अट्रैक्टिव बनाइए, उस थंबनेल के ऊपर आप कुछ अपना समय दीजिए ताकि वो थंबनेल आपका इतना अट्रैक्टिव लगे, इतनी ये मान लीजिए एक घंटे के अंदर यूट्यूब के ऊपर खरबों वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, यानी कि उस खरबों वीडियोस के अंदर अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपने थंबनेल पे कुछ मेहनत आपको करनी होगी और अपने थंबनेल को इतना अट्रैक्टिव आपको बनाना पड़ेगा कि थंबनेल को देखते ही लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर उसकी ओर खींचे चले आए और उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे उन्होंने क्लिक किया, आपका काम बन गया और आपके व्यूज आपका इंक्रीज हो गया। अब देखिए, बात करते हैं हम यूट्यूब के एल्गोरिथम की। सबसे मेन चीज है, सबसे मेन जो टॉपिक आपके वीडियोज को वायरल करने का है वो आपका थंबनेल, यानी कि अहम भूमिका हमारी जो निभाता है वो हमारी होती है थंबनेल की। आप जितना अट्रैक्टिव थंबनेल आप बनाओगे, जितना आकर्षक आप अपना थंबनेल बनाओगे, और थंबनेल भी आप ऐसा बनाइए कि आपके थंबनेल से ही आपके वीडियोस की जानकारी जो देखने वाला है उसको थंबनेल देखते ही आपके वीडियोस की जानकारी मिल जाए कि इस वीडियो के अंदर इस चीज से संबंधित या इस विषय से संबंधित हमारी इंफॉर्मेशन है और वो इच्छुक रहे, वो आपके वीडियोस को देखने के लिए उत्साहित रहे कि
कि वो क्लिक करे बिना नहीं रह सके। तो अपने वीडियोस को आपको जो थंबनेल बनाना है बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है और बहुत ही ये मान लीजिए आकर्षक आपको बनाना है। अब बात हम चलते हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए। तो देखिए यूट्यूब सभी के वीडियोस को रिकमेंड करता है, सभी के वीडियोस को फॉरवर्ड करता है और सभी के वीडियोस को सजेस्टेड लिस्ट में डालता है। अगर आपके एक वीडियो एक घंटे के अंदर अगर खरबों वीडियोस अपलोड किए जाते हैं तो यूट्यूब उनको सभी को यूट्यूब लिस्ट के अंदर वो डालता है। जो भी नए यूट्यूबर है स्क्रॉल करते हैं उनके सभी के अंडर के नीचे वो उस चीज को रिकमेंड करता है। रिकमेंड करने के बाद में अब आपका वीडियोस का थंबनेल अच्छा है, जैसे सपोज कीजिए हमने जीरो से स्टार्ट किया और हमने कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड किया, अब उस टॉपिक का वीडियो हमने थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बना दिया तो यूट्यूब क्या करेगा हमारे वीडियोस को अपलोड होने के बाद में हमारे वीडियोस को 10 लोगों के सामने रिकमेंड करेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 10 लोगों के सामने हमारे वीडियोस को उसने रखा और 10 लोगों में से 5 लोग या 6 लोग हमारे थंबनेल को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और हमारे वीडियोस को क्लिक करते हैं और हमारे वीडियोस को ओपन करते हैं। तो यानी कि 10 लोगों में से अगर 6 लोगों ने हमारे वीडियोस को ओपन किया तो हमारा 60% तो हमारा क्या हो गया, हमारे व्यूज उसके ऊपर हमारे आ गए। और अगर 6 लोगों में से अगर हमारा सपोज कीजिए 2 मिनट का वीडियो हमने अपलोड किया तो उन 6 लोगों ने हमारे 2-2 मिनट के वीडियोस को 1-1 मिनट भी देखा, यानी कि 6 लोगों ने देखा 12 मिनट और हमारा वीडियो पूरा कितना है 2 मिनट का है, तो हमारा 12 मिनट अगर वीडियो चलता है तो हमारा एवरेजन जो वॉच टाइम हमारा 50-60% हमारा वॉच टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यूट्यूब एक ऐसा एल्गोरिथम है कि वो समझ जाता है वो हमारी चीजों को, जो उसके ऊपर एक्टिविटीज होती है हमारे वीडियोस के ऊपर उससे वो भाव जाता है कि इस वीडियोस के अंदर कुछ एक एडिशनल चीज है जिसको लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, यानी कि लोग उसको ओपन भी कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं, यानी कि 60% तक अगर उन्होंने लोगों ने देखा है तो इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ एक अलग हटके ही चीज है। तो वो क्या करता है नेक्स्ट टाइम उस वीडियोस को 10 नहीं 100 लोगों को रिकमेंड करता है, 100 लोगों के सामने हमारे वीडियोस को शो करता है। अब उस 100 लोगों में से अगर हमारे 50 या 70 लोग हमारे उस वीडियोस को ओपन करके देखते हैं और हमारा 40-60% तक हमारा वॉच टाइम उसके अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसा भी हमें बनाना हमारे वीडियोस के अंदर वॉच टाइम के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बोलने की जो क्षमता है, आपकी बोलने की जो तरकीब है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो भी आपके वीडियोस को ओपन करे और वो आपकी जो वॉइस सुने या आपकी जो भी आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जैसे वो आप स्टार्ट करें तो वो इस प्रकार से आपसे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाए कि वो आपके वीडियोस को ना तो क्लोज करे ना स्किप करे, बस 50% तक तो कम से कम वो आपके वीडियोस को वॉच करे। अगर 50% तक आप अपने व्यूवर्स को रोक सकते हो, अपने जो भी सब्सक्राइबर है उनको रोक सकते हो अपने वीडियोस के द्वारा, तो इस प्रकार से अपने वीडियोस के अंदर कुछ इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन बोलिए, अपने बोलने के तरीके में इस प्रकार से चेंजेस करिए कि जो भी आपको देख रहा है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सुनते हुए या आपको देखते हुए इस प्रकार से आपके कनेक्टिविटी हो जाए आप उनकी आपसे कि वो आपके वीडियोस को कम से कम 40-50% तक तो आपको देखे, उससे पहले वो आपके वीडियोस को छोड़कर नहीं जाए। तो इस प्रकार से हमारे को वॉच टाइम अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमारे बोलने के जो तरीके है उसके अंदर में हमें थोड़ा चेंजेस हमें करना पड़ेगा। और देखिए जो बोलने का तरीका मैं आपको बता दूं किसी को भी स्टार्टिंग में नहीं आता है, धीरे धीरे जैसे ही आप अपने वीडियोस के अंदर बोलते चले जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर कुछ ना कुछ आपने चेंजेस आता जाएगा और आपकी जो बोलने की जो क्वालिटी है उसके अंदर आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। मैं भी पहले कुछ इसी प्रकार से बोलता था लेकिन अब जो भी है मैं कैसे भी किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तो वो कहीं पर भी खड़ा होकर कहीं पर भी मैं आपको दे सकता हूं और उसके अंदर बहुत कम मैं इसके अंदर गलतियां करता हूं। तो देखिए ये सभी से गलतियां सभी से होती है लेकिन आप धीरे धीरे इसको रनिंग में लाओगे तो बहुत ही अच्छा आप बोलने लग जाओगे कैमरे के सामने और जैसे जैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका वॉच टाइम ये मान लीजिए एक्स्ट्रा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपके बोलने के तरीके के अंदर इस प्रकार से कॉन्फिडेंस आपको लाना है कि सुनने वाला आपकी केवल बात सुनता चला जाए और आपके वीडियो को कम से कम वो 40-50% तक बिना सुने क्लोज ना करे।
तो देखिए ये जो YouTube का एल्गोरिथम है वो इसी के ऊपर चलता है कि कितने लोगों ने इसको ओपन किया, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने इसको कितने समय तक देखा, यानी कि वॉच टाइम कितना उन्होंने इसको गेन किया। अगर वो 50% या 60% तक वो इंक्रीज कर देते हैं वॉच टाइम, यानी कि 100 लोगों में से 50 लोगों ने उसको देखा, तो 50 लोगों ने अगर उसको फिर से एक एक मिनट देखा तो YouTube समझ जाता है, YouTube का जो एल्गोरिथम वो समझ जाता है कि फिर से इसके अंदर कुछ ना कुछ बात है, यानी कि मैंने 100 लोगों के सामने रिकमेंड किया तो उन्होंने 50 लोगों ने देखा और वो भी 50% तक इसका वॉच टाइम इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट टाइम वो 1000 लोगों के सामने रिकमेंड करता है और फिर ये प्रोसेस बढ़ता 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 आपके सामने 10K 100K इस प्रकार से चला जाता है और आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके वॉच टाइम भी इंक्रीज कराते हैं और आपका जो व्यूज है वो भी ऑटोमेटिकली रिकमेंड होता जाता है यूट्यूब के द्वारा। तो देखिए आपको अपने सबसे मेन जो चीज है, अहम जो चीज है हमारे वीडियोस को वायरल करने की, वो हमारा है थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल से हमें स्टार्ट करना है और थंबनेल के ऊपर हमें बहुत ही मान लीजिए मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप थंबनेल के ऊपर करोगे उतना ही वीडियो आपका वायरल होगा। और दूसरी बात हमारी जो दूसरी अहम भूमिका हमारी होती है वो हमारे बोलने के कॉन्फिडेंस के अंदर होती है कि आप अपने बोलने के तरीके में इस प्रकार से कॉन्फिडेंस पैदा करिए ताकि सामने जो भी सुनने वाला व्यक्ति है, जो भी सुनने वाला व्यूअर्स है, वो आपको सुनने लगे तो इस प्रकार से वो आपसे कनेक्ट हो जाए कि आपके वीडियोस को वो 50% या 60% तक बिल्कुल देखे बिना नहीं रह सके और बिना क्लोज करे आपके वीडियोस को वो देखता चला जाए। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारी निकल के आती है हमारे टैग। आप अपने वीडियोस का जो भी टाइटल रखते हो, टैग रखते हो, जो डिस्क्रिप्शन रखते हो, ये भी हमारे वीडियोस को वायरल करने में अहम भूमिका निभाती है। सबसे मेन चीज है हमारा जो टाइटल होता है, टाइटल हमारे वीडियोस का इस प्रकार से रखिए आप कि सभी नॉर्मल लोगों उसको पता लग सके और बेटर से बेटर लोग भी उसको जान सके। यानी कि यूट्यूब जो चलाने वाला है वो हम ये नहीं जान सकते कि एक एजुकेटेड व्यक्ति चला रहा है या फिर एक अनपढ़ व्यक्ति चला रहा है। अनपढ़ व्यक्ति भी YouTube चला सकता है और एजुकेटेड व्यक्ति भी YouTube चला सकता है। तो आप अपने जो वीडियोस का जो टाइटल है, इस प्रकार से आप अपने टाइटल को सेट करिए कि एजुकेटेड व्यक्ति भी आपके टाइटल को पढ़कर समझ सके और अनपढ़ व्यक्ति भी आपके टाइटल को पढ़कर समझ सके कि इस वीडियो के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ओपन कर सके। और बात आती है हमारी डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका शॉर्ट एंड स्वीट आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहो वो आप लिख सकते हो अपने वीडियोस के बारे में कि आप किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो और इस वीडियोस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लिखिए ताकि हिंदी समझने वाला हिंदी में पढ़ सके और इंग्लिश समझने वाला इंग्लिश में पढ़कर उस वीडियोस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ सके और आपके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता चला जाए। और बात आती है हमारी टैग की। तो देखिए दोस्तों, टैग हमारा एक अहम भूमिका निभाता है हमारे वीडियोस को वायरल करने में। तो आप अपने वीडियोस की इंफॉर्मेशन से, यानी कि जो भी सर्चिंग वर्ड है आपसे वीडियो से रिलेटेड, वो सर्चिंग वर्ड आप अपने टैग के अंदर जाकर लिखिए, हैशटैग के अंदर जाकर उससे रिलेटेड जो दो तीन वर्ड आप सर्च की जो किए जा रहे हैं आपके वीडियो से रिलेटेड, वो टैग के रूप में आप लगा सकते हैं ताकि वो वर्ड सर्च किए जाए तो वो वीडियो आपका सजेस्टेड लिस्ट में 3rd, 4th, या 2nd नंबर पे आपका वीडियोस रैंकिंग करता चला जाए और वॉच टाइम में आपका वो इंक्रीज होता चला जाए। जैसे कि सपोज कीजिए हमने वीडियो बनाया कि यूट्यूब के ऊपर पैसा कैसे कमाएं और वही वीडियो किसी और ने भी बनाया हुआ है, तो अगर हम अपने वीडियोज के अंदर यही हैशटैग लगाएंगे कि YouTube के ऊपर पैसा कैसे कमाएं और हमने भी हमारे वीडियोस के अंदर डाला, तो जो भी लोग ये वीडियो सर्च करेंगे YouTube के ऊपर पैसा कैसे कमाएं, तो हमारा वीडियो भी रिकमेंड किया जाएगा सजेस्टेड लिस्ट में YouTube के द्वारा और हमारा वीडियोस भी 3rd, 4th नंबर पे हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे ही लोगों को ऊपर वाला वीडियो पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और हमारा थंबनेल अच्छा होगा और उसी से संबंधित हमारा वीडियो है तो लोग में से मान लीजिए 1000 लोग उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो 1000 में से 100 या 200 लोग जरूर आपका वीडियोस को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारा व्यूज इंक्रीज होगा, वॉच टाइम इंक्रीज होगा और 100 या 200 में से हमारे कुछ परसेंट लोग हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और उनको कंटेंट हमारा पसंद आया तो उसको वो शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स थी यूट्यूब की। अगर आप इसको आजमाओगे तो आपका वीडियो 101% आपका बिल्कुल जल्द से जल्द आपका वायरल होगा और आपके वीडियोस का जो वॉच टाइम है और जो व्यूज है
और सब्सक्राइबर है ये मान लीजिए बहुत ही तेजी से आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। दोस्तों यही कुछ ट्रिप्स थे जो यूट्यूब के, अगर आप इनको आजमाओगे तो बहुत जल्द आपके यूट्यूब का जो वीडियोज है वायरल भी होगा और उसके ऊपर वॉच टाइम भी इंक्रीज होते चले जाएंगे और सब्सक्राइबर भी आपके बहुत तेजी से इंक्रीज होते चले जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी यूट्यूबर को पता लग सके जो कि नए यूट्यूबर है और वो जल्द से जल्द अपने यूट्यूब को ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी अपने वीडियोस के अंदर ये ट्रिक्स आजमाए ताकि उनका यूट्यूब चैनल भी जल्द से जल्द ग्रो होता चला जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।